सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री सुरेश कुमार जैन जी। फर्म जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार। आप चावल के थोक विक्रेता हैं। आपकी फर्म सन 1991 से रुई मंडी में एवं वर्तमान में नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। जय जिनेन्द्र। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि मेरा अभिनंदन आभार प्रकट करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कड़ी में आज मैं ऐसे व्यक्ति से आपसे रूबरू करा रहा हूँ, साक्षात करवा रहा हूँ, जो कि वर्षों से मेरा परिचित है। और इतने परिचित हैं, रुई मंडी से शुरुआत करा था, अभी दिया बाजार में आप विराजमान हैं, यहाँ फर्म में कार्यकर मालिक हैं। और इनके इतने हंसमुख मिलनसार, शुरू से ही मैंने देखा है रुई मंडी से, उस हंसमुखता और मिलनसारिता से आगे बढ़ते बढ़ते कितने पदों बढ़ गए हैं, वो आप उनके मुखार से सुनेंगे। वो व्यक्ति है श्री सुरेश जी कुमार जी जैन, प्रसाद विहार में निवासी स्थान है, नया बाजार में आपका व्यापार है। मैं ऐसे महान व्यक्ति से आपका रूबरू करवा रहा हूँ, ये किस किस पदों में सुशोभित है आप इनके मुखार से सुनेंगे। मेरे 53 सालों मैंने जो किया है, मेरा जो कार्य देखा है उन्होंने, इसका भी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जय जय साहब, ठीक हो? मेरे तो रोही मंडी से आपको देखते आ रहा हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही, गर्व हो रहा है कि कहाँ रोही मंडी चले रहे, कहाँ पहुँच गए और कहाँ पहुँच रहे हो। व्यापार में पहुँचे पहुँचे, ठीक है, अच्छे पहुँचे, बढ़िया पहुँचे, बाकी समाज में तो मैं देखता हूँ हर आदमी आपसे खुश है, हर आदमी जिससे बात करो, सुरेश जी तुम्हारे अपने हैं जी, अरे मेरे का ऐसी आपने वो किया है, क्या खास बात है, वो जरा समाज को और व्यापारी भाइयों को दोनों को बता रही कृपा करें। मेरा नाम सुरेश कुमार जैन, फर्म जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार। पहला हमारा काम रुई मंडी सदर बाजार में था, और इस टाइम नए बाजार में हमारी दुकान है, इसी नाम से है मेरा जी। कई संस्थाओं से संपर्क रहा है, सबसे पहले मैं अपने जैन समाज का प्रशांत विहार का कोषाध्यक्ष था, उसके बाद जैन कॉन्फ्रेंस से जुड़ा, लाला जोगी राम जी अध्यक्ष बने थे उस टाइम में, उनकी कार्यकारिणी में मतलब पहली बार सम्मिलित हुआ था। उसके बाद उनके स्वर्गवास के बाद श्री रमेश जी कानीवाले अध्यक्ष बने, उन्होंने मेरे को अपना कोषाध्यक्ष बना दिल्ली का जैन कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद फिर चुनाव हुए, जय कुमार जी पीतमपुरा वाले अध्यक्ष बने, वो मेरे मामा के लड़के भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, फिर वो अध्यक्ष बने, उनके कार्यकाल में मैं जैन कॉन्फ्रेंस का कोषाध्यक्ष रहा। उसके बाद हमारे संजय बाबू पंजाब विभाग वाले अध्यक्ष बने, उन्होंने मेरे को अपना उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद अतुल भाई का कार्यकाल आया, उन्होंने दोबारा से मेरे को अपने संस्था का कोषाध्यक्ष बनाया जी। और एक जैन सेवा ऐप के नाम से भी एक संस्था अलग से चलाते हैं, जैन सेवा फाउंडेशन, उसका भी मैं दिल्ली का कोषाध्यक्ष हूँ जी। एक हमारे गुरु जी हैं मणिभद्र जी महाराज, उनकी संस्था है विश्व मानव मिलन, उसका मैं दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। अग्रवाल सभा प्रशांत विहार, उसका लगातार कार्यकारिणी का 6 साल से मैं सदस्य हूँ, और वहाँ का पैटर्न ट्रस्टी हूँ। और इस टाइम दिल्ली का जैन कॉन्फ्रेंस का मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है। व्यापार हम शुरू से चावल का व्यापार करते हैं जी। कौन सी लाइन का है, कैसे क्या है? चावल बेचते हैं जी हम, सारे हर तरह के चावल हमारी दुकान पर होते हैं, और 91 से हमारी रोई मंडी दुकान थी, और आज तक उसी नाम से चल रही है, जगदीश प्रसाद सुरेश कुमार। चावला काम है, चावल हमारे पास यूपी से, रांची से, पंजाब से, हरियाणा से, लगभग इन सीटों से चावल आता है, और लोकल दिल्ली कॉलोनियों में हम चावल का व्यापार करते हैं। आदरणीय व्यापारी भाइयों,
देखा आपने सुरेश भाई जी के बुखार में से सारी कुछ आपने सुन लिया, कितनी कितने पदों से सुशोभित रहे हैं, अभी भी कितने पदों को देख रहे हैं। और ये नहीं है सिर्फ पदों का ही नहीं है, सवेरे से लिखते हैं, कभी उन भाई के पास, कभी उनका जाना, कभी इनका जाना, इनका लगातार लगा रहता है। और जैसे मैंने बताया था, इनके व्यवहार में हर आदमी, महाराज साधु संत तक, आचार्य भगवान तक, सारे खुश है। इनके परिवार, सारा परिवार, एक विशेष बात बता रहा हूँ, पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे देखे, ऐसी बात नहीं है, सभी सेवा में लगे रहते हैं। बाकी एक ऐसा परिवार है, सारे भाई सब संगठित, एक साथ मिलना, एक साथ समाज में रहना, और आसपास प्रसाद विहार में सभी भाइयों का अपना अपना निजी मकान है, इसलिए मिलने से ऐसा लगता है कि पूरा समाज तो यही आ रहा प्रसाद विहार में, ऐसा कोई नहीं जो इनके नाम से जाना जाता। तो व्यापारी भाइयों, ऐसे व्यक्तियों से, समाज से, व्यापारियों भाइयों से जब मैं रूबरू करवाता हूँ तो मुझे तो गौरव होता ही है, बाकी सुनने वाले मेरे पास रिपोर्ट आती है, वो बोलते जी आप बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों का लेके आ रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरा धन्यवाद नहीं, धन्यवाद उनका ही है जिनके काम से मेरा 50 साल निकाले। धन्यवाद व्यापारी भाइयों, धन्यवाद।